SN Live सच सबसे आगे। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सिवान जिला के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित बीठुना गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह, अमित सिंह, पवन बाबा और हंस कुमार अपने घर पर बैठे थे, तभी कुछ अपराधी उनके मकान पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें गोविंद सिंह और अमित सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पवन बाबा और हंस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में लाया गया है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। सिवान जिला के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित बीठुना गांव में गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह, अमित सिंह, पवन बाबा और हंस कुमार अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी कुछ अपराधी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें गोली लगने से गोविंद सिंह और अमित सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और उस घटना में पवन बाबा, हंस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। कैसे हुआ है इसे? ये हम लोग भैया अपने रिजर्वेशन में, हम थे रिजर्वेशन गए थे अपना, दो चार पाँच दिन पहले से वहाँ रहते थे। हम लोग द्वार पे 6 बजे का समय हम चाय पी रहे थे दोनों भाई और चाची। उधर से अरविंद सिंह के साथ में सूरज मांझी थे और अरविंद सिंह थे और सूरज मांझी का और दो भाई था जिनका हम नाम नहीं जानते। हम लोग दरवाजे पर बैठ के चाय पी रहे थे, उधर से धनाधन काटा पीटे फायरिंग करते हुए। हम लोग कौन लोग था जो गोली चलाए? अरविंद सिंह और सूरज। मतलब कौन आप रिश्तेदारी लगते हैं? नहीं, हमारा रिलेशन के नहीं लगते। उनका जो गोविंद सिंह थी तो मैंने मर गए हैं, उनका भाई है छोटा भाई, मैंने भाई भाई के झगड़ा था जी। तो उसमें पैसा दे दिया था हम लोग को मारने के लिए, माने आज सुबह ही मारना था तीनों आदमी, तीनों आदमी के जान से। इसमें सूरज मांझी और अरविंद सिंह दोनों आदमी गोली चलाए कांटा और पिस्टल से। फर्स्ट गोली हमको लगा दी तब में, उसके बाद उसको लगा, उसके बाद चाकू से। इसमें कई लोग मर गए? इसमें लोग भैया तीन आदमी, हम लोग थे तीन आदमी, में से दो आदमी मर गए हैं, हम जिंदा है। एक बच्चे के हाथ में भी गोली लगा है जी, वो भी जिंदा है जी। तो टोटल 4 आदमी थे लोग जी। हम लोग घर में अपना बैठ के चार दिन गए। प्रशासन FIR हो गया? FIR भी आप पुलिस के पास फ़ोन किए थे, पुलिस मैंने उसको 100 बार फ़ोन किए, उसके बाद 2 घंटा देर पहुँचे वहाँ, मैंने स्थायी जमीन के पास फ़ोन किए, पुलिस नहीं पहुँची। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया जी। क्या नाम? पुलिस गई इस समय पर मौका पर नहीं। क्या नाम है? हमारा पवन पांडे। घटना घटा था भैयागंज में लड़की गए बस वाली में, क्योंकि गोविंद चा और कुछ बाबा साहब गए थ्री पर, बोला कि अरविंद सिंह और सूरज सिंह, सूरज माझी और अथी सूरज माझी और उर्वी माझी और भूषण सिंह और कुंदू सिंह। मतलब काहे कहती झगड़ा काहे कहती बोले? कुछ के लिए गाड़ी देखे, गाड़ी देख रहे आया उसमें गोली अच्छा मैंने मारा। भाई है भाई का झगड़ा है? भाई भाई का और कोई झगड़ा है। कई आदमी को इसमें गोली लगा है? गोली लगा भाई से गोली लगा है और अमित सिंह के और गोविंद सिंह के और कौन बड़ा का गोली लगा है। कई आदमी इसमें डेट किए हुए हैं? शुभ नाम बताइए अपना। नमस्कार, SN Live में आपका स्वागत है। आपके जीवन से जुड़ी हो बातें या पॉलिटिक्स से जुड़ी हो खबरें या विधानसभा चुनाव की हो जानकारियां या फिर हर छोटे बड़े क्राइम आप तक पहुंचाने के लिए हर पल हर घड़ी आपके बीच SN Live मौजूद है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें SN Live।